थोड़ा सा इधर 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 फेस ऊपर कीजिए। हाँ ये थोड़ा हाथों को फेस के ऊपर। आप बहुत बढ़िया। अब आप दोनों एक दूसरे के गले में बाहें डालिए। ये बिल्कुल ठीक है। ओके ओके ओके, आपकी फोटोज क्लिक हो गई है। मिस्टर अशोक, ये फोटोज कब तक मिल जाएंगी? डार्लिंग, तुम कितनी एक्साइटेड हो इन फोटोज के लिए। आप दोनों के ये फोटोज मैं मेल कर दूंगा। अच्छा मैं अभी आया, तब तक आप दोनों एंजॉय करो। प्रिया, लगता है फोटोग्राफर समझ गया था कि तुम्हें और मुझे थोड़ा सा अकेले में समय चाहिए, इसीलिए बहाने से चला गया। तो और क्या, हर कोई कबाब में हड्डी थोड़ी बनता है। वैसे दीपक या अशोक का चेहरा एक तरफ से जला हुआ क्यों है? उसे देखते ही मैं तो बहुत डर रही थी, पर तुमने कहा कि ये बहुत फेमस फोटोग्राफर है इसलिए मैंने तुम्हारी बात को मान लिया, वरना मैं तो इसका चेहरा तक नहीं देखती। हमने कौन सा इसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवानी है, थोड़ी देर की तो बात है, अभी हम यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद फोटोज तो वो हमें मेल कर ही देगा। वैसे ये फोटोग्राफर है कहाँ? आओ जरा चलकर उसे ढूंढते हैं। दीपक, बहुत डर लग रहा है, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। अरे क्यों डर रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अचानक प्रिया और दीपक अलग हो जाते हैं। प्रिया एक कमरे में बंद हो जाती है। ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? दीपक दरवाजा खोलो। दीपक, मुझे डर लग रहा है, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? डर क्यों रही हो, तुम तो यहाँ फोटो खिंचवाने आई हो ना, फिर किस बात का डरना? कौन है वहाँ, सामने आओ। जैसे ही साया सामने आता है प्रिया डर जाती है। वो साया कोई और नहीं बल्कि अशोक था। अशोक एक पिशाच का रूप ले लेता है और अपने खूनी पंजों से प्रिया की गर्दन दबा देता है। प्रिया की वही मौत हो जाती है। उधर दीपक देखता है, वहाँ एक टूटा हुआ कैमरा रखा है और अशोक गायब है। दीपक प्रिया की लाश को देखकर बहुत रोता है। दीपक पुलिस को फोन करता है। पुलिस वहाँ आ जाती है। दीपक उन्हें सारी बात बताता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं और मेरी मंगेतर प्रिया दोनों यहाँ अशोक नाम के एक फोटोग्राफर के साथ आए थे। उसी ने ही ये हॉन्टेड प्लेस सजेस्ट किया था, पर अशोक गायब है। मेरी प्रिया तो मुझे छोड़कर चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हुआ। ठीक है मिस्टर दीपक, जैसे ही हमें इसके बारे में कुछ पता चलता है हम आपको तुरंत खबर देंगे। पिछले कई दिनों से पुलिस भी परेशान थी कि आखिर कपल जोड़े को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, इसलिए इंस्पेक्टर डॉक्टर के पास जाता है जहां प्रिया का पोस्टमार्टम हो रहा था। इंस्पेक्टर साहब, गर्दन पर निशान किसी वैशी जानवर के लग रहे हैं, ये किसी मामूली इंसान के हाथों के निशान नहीं है। गर्दन को बुरी तरह खूनी पंजों से दबाया गया है। शायद आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर, इससे पहले भी दो केस इसी तरह के इस शहर में हुए हैं और उन दोनों केसेस में भी वो कपल थे और एक फोटोग्राफर के साथ ही यहाँ आए थे। फोटोग्राफर गायब था और लड़की का ही खून हुआ था, वो भी इसी तरह से। सर, अब तो लगता है मिस्टर जोसेफ को आना ही पड़ेगा, वही इस केस को सुलझा सकते हैं। ठीक है तो चलो मिस्टर जोसेफ के पास ही चलते हैं। मिस्टर जोसेफ भूत प्रेत और आत्माओं को पकड़ने के लिए काफी मशहूर थे। जब कोई इस तरह का केस आता था तो इंस्पेक्टर दिनेश मिस्टर जोसेफ को ही याद करते थे। अच्छा तो ये बात है, ठीक है मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए, मैं इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अशोक जी, हमें बहुत बढ़िया फोटो खिंचवानी है, कोई अच्छा सा प्लेस बताइए ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ यादगार फोटोज खिंचवा सकूं। रोहित, ये फोटोग्राफर देखने में कितना बदसूरत है, तुम्हें कोई और फोटोग्राफर नहीं मिला था, तुम इसी से क्यों फोटो खिंचवाना चाहते हो? मुझे इसे देखकर घिन आ रही है। अरे ये फोटोग्राफर बहुत सस्ते में मान गया है, बाकी सब तो बहुत महंगे थे और ऊपर से मैंने सुना है ये शहर का फेमस फोटोग्राफर है। ये जगह का एड्रेस है, आप टाइम पर पहुंच जाना। ये बहुत ज्यादा लेट नहीं हो जाएगा, रात के 12 बजे ये समय ठीक रहता है फोटोज के लिए। आप दोनों की फोटो अच्छी आएगी इसलिए मैंने रात का टाइम चुना है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है हम 12 बजे किले पर पहुंच जाएंगे। अशोक लड़का लड़की को रात के 12 बजे हॉन्टेड प्लेस पर बुलाता है। अशोक, मैंने सुना है तुम रात में ही ज्यादातर फोटोग्राफी करते हो, इसके पीछे क्या कारण है? मुझे अंधेरा पसंद है। ये कोई पागल फोटोग्राफर लगता है। शालिनी धीरे बोलो, वो हमें देख रहा है। अशोक लड़का और लड़की की फोटो खींचने लगता है। थोड़ा सा क्लोज हो जाइए और दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखिए। हाँ ये बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत बढ़िया। ये क्या चक्कर है, अभी फोटो खींचने से पहले तो कितना गुस्से वाली आवाज में बात कर रहा था और अब फोटो खींचते समय तो एकदम इसकी बोली में फर्क आ गया। अशोक उन दोनों की फोटो खींच लेता है। कुछ देर बाद वो बहाने से वहाँ से जाता है और फिर से वो लड़का लड़की उसे ढूंढते हैं। ये फोटोग्राफर कहाँ चला गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, आओ हम थोड़ा अंदर जाकर देखते हैं। राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है, चलो ना हम वापस चलते हैं। अरे राहुल, राहुल कहाँ गया? राहुल, राहुल कहाँ हो तुम कौन हो? राहुल कहाँ है? अशोक पिशाच के रूप में आ जाता है।
पर अशोक पिशाच के रूप में शालिनी को छू भी नहीं पाता, क्योंकि मिस्टर जोसेफ के द्वारा पहनाया लॉकेट शालिनी के गले में था, जिससे वो पिशाच डर कर दूर हट जाता है। ये सब माया जाल मिस्टर जोसेफ का ही बिछाया हुआ था। थैंक यू शालिनी, आपने और राहुल ने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह निभाई है। आप दोनों ने अपनी जान पर खेल कर अपना फर्ज निभाया है। अब आप दोनों बेफिक्र रहिए, इस पिशाच को मैं सीधा करूंगा। अब बताओ तुमने ये सब क्यों किया, और तुम कपल जोड़े को ही अपना शिकार क्यों बनाते हो? इनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैं किसी भी कपल जोड़े में से एक लड़की को जिंदा नहीं छोड़ता, क्योंकि एक लड़की ने ही मेरा मजाक उड़ाया था। बचपन में मेरे चेहरे पर एक बार एक हादसे में गर्म तेल गिर गया था, जिस कारण सब मेरे से नफरत करते थे। कोई भी मेरे से ठीक ढंग से बात नहीं करता था। मुझे फोटोग्राफी करना अच्छा लगता था, इसलिए मैं फोटोग्राफी करता था। एक दिन मैं एक कपल की फोटोग्राफी कर रहा था, तभी एक लड़की ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। पंकज, ये तुम किस फोटोग्राफर को ले आए हो? इसकी खुद की शक्ल तो है नहीं, भुना हुआ पकौड़ा लग रहा है। ये हमारी क्या फोटो खींचेगा? मैडम, किसी का मजाक नहीं उड़ाते, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मुझे आपकी फोटो नहीं खींचनी, आप यहाँ से जा सकती हैं। क्यों बे, मेरी गर्लफ्रेंड से ऐसे बात करता है? उसने ठीक ही तो कहा है, तेरा चेहरा इतना खराब है, तू क्या लेगा हमारी फोटोग्राफा? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। उस लड़के ने मुझे बहुत पीटा, लड़की ने मेरा कैमरा तोड़ दिया। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने इसी किले में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और उस लड़की को मार दिया। दोनों कपल अलग हो गए, इसलिए मैंने उस दिन से यही सोचा कि मैं किसी भी कपल को एक नहीं होने दूंगा, मैं लड़की को मार दूंगा। देखो अशोक, जरूरी नहीं कि हम बुराई का बदला बुराई से ही दें। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, पर इन सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ये तो निर्दोष है। इतनी देर में अशोक की माँ वहाँ आ जाती है और वो अपने बेटे को समझाती है। अशोक मेरे बच्चे, तो इन सब को छोड़ दे, अपने लोक में चला जा, अपने लोक में चला जा मेरे बच्चे, ये दुनिया तेरे लिए नहीं है, तू अपनी दुनिया में चला जा। अपनी माँ को देखकर अशोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हवा की तरह वहाँ से उड़ जाता है। शीतल और अंकित एक शादी अटेंड करके अपनी कार से लौट रहे थे। उनकी कार उस समय एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। रात के लगभग 11:30 बज गए थे। कार में 90s का गाना बज रहा था। शीतल जो गर्भवती थी वो चुपचाप बैठी अंकित को गाने की धुन पर सिर हिलाते देख रही थी। अंकित अपनी धुन में कार चलाता हुआ जा रहा था, तभी शीतल ने अंकित को टोकते हुए कहा, तुम ना आजकल बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं रह गए हो। अरे ऐसा क्यों? हम दोनों अकेले हैं, कार में हैं, सुनसान रास्ता है, लेकिन मजाल है कि तुम्हारे मुंह से आई लव यू निकल जाए। शादी के पहले तो आई लव यू इतनी बार बोलते थे कि लगता था कि तुम्हारे मुंह में किसी ने टेप रिकॉर्डर रिवर्स मोड में चला दिया हो, लेकिन अब तो आई लव यू सुने अरसा हो जाता है। शीतल की बात सुनकर अंकित कार में ब्रेक लगाता है और उसकी तरफ देखते हुए चिल्ला कर बोलता है, आई लव यू शीतल। पागल हो गए हो क्या? क्यों, क्या हुआ? इतनी जोर से सुनसान जगह में कौन बोलता है आई लव यू? क्या शीतल, आई लव यू बोलो तो दिक्कत, आई लव यू ना बोलो तो दिक्कत। अरे गुस्सा मत हो माय लव, शादी के बाद प्यार केयर में बदल जाता है, और उस पर जब पत्नी प्रेग्नेंट हो तो केयर और ज्यादा करनी पड़ती है। इसका क्या मतलब, रास्ते में बात ही ना करो? अरे रात हो गई ना और सुनसान जगह है, इसीलिए लगता है जल्दी से यहाँ से निकल जाऊं। ये कहकर अंकित ने फिर से गाड़ी को गियर में डाला और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अभी भी मुश्किल से 2-3 किलोमीटर ही गए होंगे कि अचानक से तेज आंधी चलने लगी, साथ ही जोर जोर से बादल गरजने लगे, बिजली भी चमकने लगी। अरे ये अचानक से मौसम कैसे खराब हो गया? तभी जोरों की बारिश भी शुरू हो गई। ये लो, तुम बड़ा रोमांटिक रोमांटिक कह रही थी ना, मौसम ही हो गया पूरा रोमांटिक। वो बारिश में धीरे धीरे बढ़े जा रहे थे, तभी कुछ दूर पर उन्हें एक बड़ा सा पेड़ गिरा दिखा और मजबूरन उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी। यार शीतल, ये तो बड़े बुरे फंसे हम लोग यार। वो कुछ देर उसी तरह गाड़ी में बैठे रहे, बारिश अब बंद हो चुकी थी। शीतल, बारिश तो बंद हो गई, अब इस पेड़ को हटाना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूं? अरे शीतल पागल हो क्या, बेबी है तुम्हारे पेट में। अंकित कार से निकलकर बाहर गया और वो पेड़ हटाने लगा, लेकिन अचानक से आकाश में बिजली कड़की और नीचे जमीन पर आ गिरी। अंकित की स्पॉट डेथ हो गई। शीतल ने ये देखा तो वो भागी भागी कार से बाहर आई, लेकिन अंकित का शरीर तो पूरी तरह शांत पड़ गया था। अंकित,
अंकित ये क्या हो गया? ये क्या हो गया अंकित? सब खत्म हो गया, मेरा सब खत्म हो गया, मैं क्या करूं? अरे मुझे अकेला छोड़ दिया तुमने। अंकित उठो उठो, जल्दी उठो, मुझसे बातें करो, रोमांटिक बातें करो, उठो। अरे ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? तुम्हारा बेबी मैं क्या कहूंगी उसको? अरे क्या कहूंगी मैं उसे? काश कि अंकित शीतल की उस दर्द भरी पुकार को सुन पाता, काश कि वो उसके आंसू पोंछ पाता, लेकिन वो तो पड़ा हुआ था अचेत मुर्दा। शीतल ने किसी तरह उसकी लाश को गाड़ी में डाला, फिर पेड़ को हटाया और खुद से ड्राइव करके घर की ओर जाने लगी। वो गाड़ी तो चला रही थी लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। तभी कुछ दूरी पर उसे एक बूढ़ा आदमी हाथों में लालटेन और एक डंडा लिए हुए दिखाई दिया। उसने काले कपड़े पहने हुए थे। अरे इस सुनसान जगह में ये बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है? लगता है बारिश के कारण फंस गया है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। शीतल ने अपनी कार उस बूढ़े आदमी के पास रोक दी और कार का शीशा खोलते हुए उससे पूछा, अरे बाबा इस सुनसान अंधेरी रात और इस बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? आपको कहाँ जाना है? चलिए मैं आपको छोड़ दूँ। जाना तो है बहुत दूर, लेकिन मैं ऐसे नहीं जा सकता। क्या मतलब ऐसे नहीं जा सकता? मैं भूखा हूँ, बिना कुछ खाए मैं जा नहीं पाऊँगा। पर मेरे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है बाबा। है तेरे पास, है, तू वो मुझे खाने को दे दे। क्या बाबा? तेरे पेट का बच्चा, वो दे दे, मुझे खाना है उसे। अरे पागल हो क्या तू? दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं यहाँ पहले से परेशान हूँ, मेरे पति की मौत हो गई और तुम ये बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, दे दे तेरा बच्चा। तभी शीतल को लगा कि उसकी कार की सीट पर कोई औरत आकर बैठी है, क्योंकि उसके कानों में उसकी चूड़ियों की आवाज आ रही थी। शीतल ने कार के शीशे में जब पीछे की सीट की ओर देखा तो उसने देखा कि एक भयानक चुड़ैल अंकित को अपनी गोद में लिए बैठी हुई है। ये देखकर शीतल के चेहरे का रंग उड़ गया। चुड़ैल! बेटी डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाली, तुम बस यहाँ से जल्दी निकलो, जल्दी। शीतल कुछ समझ पाती इतने में वो बूढ़ा उसकी गाड़ी के आगे आकर खड़ा हो गया और शीतल को घूर घूर कर देखने लगा। मुझे अपना बच्चा खिला दे, खिला दे अपने पेट का बच्चा, मुझे भूख लगी है, खिला दे। बेटी इसकी बात मत सुन और जल्दी से निकल यहाँ से, नहीं तो ये मार देगा तुझे। चढ़ा दे अपनी गाड़ी इस पर। गाड़ी चढ़ा दूँ? अरे ये कैसे हो सकता है, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकती। अरे बेटी तू समझा कर, ये बूढ़ा जिंदा नहीं है, ये तो सालों पहले मर गया है और मरे हुए की कैसी हत्या? तू देर मत कर नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, चढ़ा दे अपनी गाड़ी इस पर, चढ़ा दे। शीतल उधेड़ बुन में थी लेकिन पता नहीं क्यों उसके पैर उस चुड़ैल को सुनकर एक्सीलेटर पर चले गए और उसने जोरों की टक्कर उस बूढ़े को मार दी। बूढ़ा बहुत ऊपर तक हवा में उड़ गया और एक पेड़ की डाली पर बैठ गया और उसे घूरने लगा। शीतल ने शीशे में जब उसे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बेटी मैंने कहा था ना वो पहले से मरा हुआ है, वो कभी नहीं मर सकता। तू अब तेजी से यहाँ से निकल, क्योंकि वो बहुत गुस्से में आ गया है और वो अब अपनी गलत शक्तियों का प्रयोग करेगा और तेरी मति को भ्रमित करेगा। लेकिन तुझे रुकना नहीं है, क्योंकि तू रुकी तो तेरी मौत हो जाएगी, जैसे मेरी और मेरे पेट के बच्चे की मौत हुई थी सालों पहले। इसलिए भाग भाग यहाँ से, अपनी रफ्तार और बढ़ा। शीतल कार को भगाए जा रही थी तभी उसने देखा कि सड़क पर कई सारे छोटे छोटे बच्चे घुटनों के बल उसकी कार की ओर चले आ रहे हैं। ये देखकर उसके हाथ पैर फूल गए। ये इतने सारे बच्चे सड़क पर कैसे आ गए? वो बच्चे नहीं है, वो उस भूत का फैलाया जाल है जो तुम्हारी बुद्धि को भ्रम में डाल रहा है। तू इन पर भी चढ़ा दे अपनी गाड़ी। नहीं मैं ये नहीं कर सकती। ये करना पड़ेगा, नहीं तो ये भूत अपने मंसूबे में सफल हो जाएगा। और जानती हो ज्यो ज्यो रात बढ़ेगी इसकी ताकत बढ़ेगी, इसके माया का जाल और बढ़ेगा, क्योंकि ये इसका इलाका है और इसमें प्रवेश करते ही इसके माया का जाल ताकतवर हो जाता है। इसलिए कुछ मत सोच और चढ़ा दे गाड़ी। और हाँ, जो जो रोशनी होगी इसकी माया खत्म भी होगी। शीतल ने कार उन पर चढ़ा दी लेकिन जैसा कि उस चुड़ैल ने कहा था वो सब कुछ उस भूत का फैलाया जाल था। कार की टक्कर के पहले वो सारे बच्चे गायब हो गए। उसके बाद उस बूढ़े भूत ने और भी अपना जाल फैलाया। सड़क पर अचानक एक बहुत बड़ी खाई बन गई। उसे देख शीतल फिर से डर गई। मत डर, वो खाई नहीं है, वो भूत का जाल है, चल निकल यहाँ से। शीतल ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी
और फिर जैसा कि उस चुड़ैल ने कहा था वो भी उस भूत का जाल ही था। शीतल की कार फिर से तेज रफ्तार में आगे बढ़ी। फिर उसने देखा कि आगे रेलवे का फाटक है और वो फाटक बंद है। उसे दूर से रेलगाड़ी भी आती हुई दिखाई दी। वो अपनी कार में ब्रेक लगाने ही वाली थी कि तभी, बेटी वो उसका जाल है, कोई ट्रेन नहीं आ रही है, निकल निकल यहाँ से जल्दी, वो बूढ़ा भूत आ रहा है अपनी तेज गति से तुझे मारने, तेरे बच्चे को मारने। शीतल ने अपनी कार को आगे बढ़ा दिया। आगे जाकर रास्ते में उसे हाथियों का झुंड दिखाई दिया, लेकिन चुड़ैल ने कहा कि वो सब चक्रव्यूह है उस भूत का, उसमें फंसना मत। शीतल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाकर उसे रास्ते में एक गर्भवती औरत दिखी जो सड़क किनारे खड़ी उसे गाड़ी रोकने को कह रही थी। बिल्कुल भी मत रुकना, बिल्कुल नहीं, ये जाल है, मैं फंस चुकी हूँ इस जाल में और अपना बच्चा खो चुकी हूँ, लेकिन तुझे नहीं फंसने दूंगी, नहीं फंसने दूंगी तुझे। शीतल गाड़ी को भगाते हुए आगे निकल गई। वो गर्भवती औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। शीतल तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए जा रही थी। अब दिन निकल आया था, रोशनी होने लगी थी। मैं कब तक इस तरह भागती रहूंगी, वो भूत कब तक मेरा पीछा करता रहेगा, ये पूछती हुई शीतल ने जैसे ही कार के पीछे देखा तो वो चौंक गई, क्योंकि कार के पीछे तो कोई चुड़ैल थी ही नहीं। उल्टा अंकित उसे घूर घूर कर देख रहा था। ओए, इतना घूर क्यों रही है, बहुत देर सो गया क्या, मैं इतनी देर से तू गाड़ी चला रही है। शीतल अब भी आंखें फाड़े अंकित को देख रही थी। अंकित तुम जिंदा हो, कहीं कहीं ये भी तो उस भूत का कोई जाल नहीं। जिंदा हो मतलब भूत का जाल, और क्या हो गया तुझे है? ये सब क्या बड़बड़ा रही है, लगता है कुछ ज्यादा ही कार चला ली तूने। शीतल अंकित को अब भी घूर घूर कर देख रही थी और उस चुड़ैल की बातों को याद कर रही थी जब उसने कहा था कि सवेरा होते ही उस भूत का जाल समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब अंकित की मौत भी उस बूढ़े भूत का एक जाल ही थी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, और शुक्रिया उस रखवाली चुड़ैल का जिसने मेरे परिवार को बिखरने से बचा लिया। इस घटना को आज कई साल बीत गए हैं, लेकिन शीतल जब भी उस घटना को याद करती है तो भीतर तक सिहर जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।